बेटे केमिकल काइनेटिक्स का 2010 का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पे बेस्ड है। बोला जा रहा है इफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे। द टाइम ऑफ हाफ लाइफ फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सर्टेन रिएक्शन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज 1 आवर। मतलब हाफ लाइफ की जो वैल्यू दी हुई है बेटा वो कितनी दी हुई है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 आवर, राइट। वेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 2 मोल पर लीटर, हाउ मच टाइम इट डज इट टेक फॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 to 0.25। मतलब हाफ होने में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 हो 0.25 होने में कितना टाइम लेगा इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सबसे पहली चीज बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट अपॉन 2k, राइट। मीन्स हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो तो सिर्फ इसी से लग जाएगा। सिंपल चीज समझिए क्या है, जैसे जैसे इनिशियल अमाउंट हाफ होता जाएगा, हाफ लाइफ भी क्या होती जाएगी, हाफ होती चली जाएगी। ओरली कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 2, ये 1 हुआ, हाफ लाइफ कितनी है, 1 से अब ये हाफ होने में 0.5, इसको हाफ कर दीजिए, अब हाफ लाइफ कितनी होगी, 0.5, 0.5 से इसको 0.25 होना है, अब हाफ लाइफ कितनी होगी, 0.25। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाएगा, तो हाफ लाइफ भी हाफ हो जाएगी, तो हाफ लाइफ यहाँ 1 थी, यहाँ 0.5 कर ली। अच्छा, ये डाटा चूंकि जो दिया गया है उसके हिसाब से कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 होता और हाफ लाइफ 1 होती, तो 100 से एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो जाता, 50, और हाफ लाइफ कितनी होती, 1। 50 से 25 होने में फिर हाफ लाइफ कितनी होती, 0.5। मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ, तो हाफ लाइफ भी कितना, हाफ, राइट। चलिए, एक तो हमारा आंसर बेटा ऑन द स्पॉट आ गया, 0.25, करेक्ट आंसर इज सी 1, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहीं सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हो और हमें लिखना हो तो फिर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, खास करके जो क्लास 12th के स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो खैर, मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में भी बता दे रहा हूँ, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो वो उस तरीके से कर सकता है। टी हाफ जो है फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं T1 है, और सेकंड केस में मान लेते हैं T2 है। तो ये प्रोपोर्शनल में है, तो हम कहेंगे A01 अपॉन A02। टी हाफ जो पहले था वो कितना था, 1 था, हमें अब टी हाफ कितना है वो निकालना है। पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1 था, अब कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.5, पहले कॉन्सेंट्रेशन 2 था, अब कितना है, 0.5, राइट। तो अब जो नया टी हाफ होगा वो कितना हो जाएगा, 0.5/2, यानी 0.25 न्यू हाफ लाइफ, राइट। दोनों तरीके से बेटे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, काफी सिंपल सा है और एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस जरूरत है प्रैक्टिस की, लगन की और मेहनत करने की, ठीक है। ओके डियर।